वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। राम जी की कृपा से आप सब कुशल से होंगे। अब आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की कथा। और आपको तो पता ही है कि पिछली कथा जिन्होंने सुनी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप नीचे जाकर सुन सकते हैं। कि सिया राम का विवाह हुआ, विवाह के बाद चारों भाइयों को दुल्हनों के साथ विदाई हो चुकी है और अब अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान हो चुका है जनकपुरी से। तो आज की कथा में चलते हैं अयोध्या के रास्ते, जनकपुरी से अयोध्या में पहुंचेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि पहले ही बारात में बहुत लेट हो चुके हैं, चलिए हम भी बारातों में शामिल होते हैं और अयोध्यापुरी चलते हैं जनक जी के साथ। सुर पर सोन पर श्री हरिष करें अप्सरा गान, चले अवधपुति अवधपुर मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं और दशरथ जी नगाड़े बजाकर, अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर अनंतपुरों का अयोध्यापुरी को चले। बहुत खुश है भाई, शादी हो गई है, चार चार बेटे ब्याह कर चले हैं दशरथ जी। उनका तो कहना ही क्या, उनके तो नखरे अलग होंगे ना राजा दशरथ के, तो चार चार बेटे चार चार बहुओं के साथ जा रहे हैं। नृप करि बिने महाजने फेरे, सादर सकल मागन टेरे, भूषण बसन बाजे गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उन्हें गहने कपड़े घोड़े प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावल भाषी, फिर सकल रामे और राखी, बहुर बहुर कौशल पुते के ही, जनक प्रेम बस फिरे न चेही। सब बार बार कुलकृति बखान कर राम जी के हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधि दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बख्श लौटना नहीं चाहते। पहले बेटे को बड़ी दूर तक छोड़ कर आया करते थे। मुनि के भूपति वचन सुहाए, फिरे महीसे दूरे बड़े आए, राम बहोर उतरे भय ढाड़े, प्रेम भी प्रभाव विलोचन बाड़े। वैसे बार बार बखान कर राम जी को हृदय में लगाकर प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी फिर सुहावने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए, अब तो लौटिए। फिर राजदशरथ जी के रथ से उतर खड़े हो गए, उनके नेत्र में प्रेम का प्रभाव चढ़ाया और अश्रुओं की धारा बह रही है। तब विदेह बोले कर जोरे, वचन सनेह सुदा जनो बोरे, करो कवन विधि विने बनाई, महाराज मोहे दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर इन किन शब्दों में विनती करूं, महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशल पति समधि सजन सन्माने सब भांत, मिलनी परस्पर विनयति प्रीति न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि के सब प्रकार से सम्मान किया, उनके आपस में मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सभी सन पावा, सादर पुनि भेटे जमाता, रूप सीले गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामाद से मिले। जोरे पंक रूपनी सुहाए, बोले वचने प्रेम जनु आए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मान से हंसा। जनक जी मुनि मंडल को सिर नवाया, आशीर्वाद पाया, फिर गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले जाने से पहले, और सुंदर कमलों के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले कि मानो प्रेम से जन्मे हो। और राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, आप मुनि और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। कर ही जोगे जोगी जेही लागी,
कोहु मोह ममता मद त्यागी व्यापक ब्रह्म अलकु अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जेहि जान न पानी कर की न सके सकल अनुमानी मै माने गुमाने ते कहीं कहीं ज्योति हूँ काल एक रस रही। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोतम ममता और मद त्याग कर साधना करते हैं ब्रह्म अत्यंत विनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। जिनके मन से तो वाणी नहीं जानती जिनका अनुमान ही करते हैं कोई तर्क नहीं कर सकता जिनकी महिमा को कहना वर्णन करना तीनों कालों में एक रस करते हैं। नैन विषे मोह कौं भयो सो समस्त सुख मूल सभी लाभ जग जीव कहें भये ईसु अनुकूल। वे ईश्व सुखों के मूल मेरे नेत्रों को विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवन को सब लाभ ही लाभ है। सभी भांति मोहे दीन बढ़ाई निज जन जान लेने अपनाई होए सहस दस सारद शेषा करे कल्प कोटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे मोर भाग्य राव गुण गाथा कहीं ना सिराई सुनो हो रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे तुमरे जो स्नेह सुठी तोरे तो भी ये रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और गुणों की कथा के कस समापत नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम प्रसन्न हो जाते हैं। बारे बारे मांग्यूं कर जोरे मनु पर हरे चरण जर भोरे। मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। सुनि भर वचन प्रेम जन पोषे पूरे ने काम राम पर तोषे। जनक जी के वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। कर बर विनय ससुर सन माने पितु को सिख वशिष्ठ समझाने। विनती बहोर भरत सन कीने मिली तो प्रेम पूने आशीष देने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु शिष्य जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सदनी दीन आशीष महेश रामा दीन आशीष महेश भय परस पर प्रेम बस फिर नाम शीश से आवर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। फिर राजा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बारे बारे करी विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई जनक गए कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर नैन ने लाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके रघुनाथ जी के सब पायों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए उनके चरणों की रज को सिर पर लगाया नेत्रों में लगाया। सुनो मुनि सर धरे सने तो हो रे आगमुना कछु प्रतीत मन मोरे जो सुख सुज सिरोगपति चेही करते मनोरथ सकुचित। ये मुनीश्वर सुनिए आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुश लोकपाल चाहते हैं परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सब कुछ आते हैं। जो सुख सो सुख सुजस सुलप मोहि स्वामी सब सिद्धि तव दर्शने अनुगामी कीन बिने पुनि पुनि सिरु नाई फिरे महेशु आशीषा पाई। हे स्वामी सुध और सुश मुझे सुलभ हो गया सारी सिद्धियां आपके दर्शन के अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पकर राज जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई मुदित शोट बड़ सब समझाई राम निरिख ग्राम नर नारी पाए नयन पलुच होए सुखारी। अब राज जनक लौटे हैं
सबको मिलकर डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी प्रसन्न हो गए। गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते जाते हैं। बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंचे जाई आई जनेत। बीच बीच सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। तो बधाई हो, बधाई हो अवधपुरी में बाहर आई, क्योंकि अवधपुरी में बारात आई, दुल्हन लेकर आ गई है। तो जब शादी होती है ना लड़के की, और जो घर में आजकल तो रिवाज है नहीं, घर में कुछ लोग रहते हैं, पहले रहते थे लेडीज लोग घर पे, तो वो बार बार दरवाजे पर आकर देखती थी कि बारात आ गई, बार बारात आ गई, कहाँ पहुंची। और आजकल फोन है ना, मोबाइल बार बार पूछते रहते हैं कहाँ पहुंचे, कहाँ चले, कहाँ पहुंचे। आनंद ही अलग होता है जब दुल्हन घर पे आती है। तो ऐसा ही कुछ आनंद अब हमें अवधपुरी में देखने को मिलेगा। तो अवधपुरी में बाहर आई, हनि निशान पनव बरे बाजे, भीर शंख धुनि है गे गाजे, झांझ बिरब डिंडिमी सुहाई, सर सिराग बाजी सहनाई, जनियावत अकनी बराता, मुदित सकल पुले कावले काता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाटे बाटे चो हटे पुरे द्वारे। नगाड़ों पर चोटे पड़ने लगी, ढोल बजने लगे, भैरी शंख की बड़ी आवाजें हो रही हैं, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, सुहावनी डफड़ियां रसीले राग बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही दुल्हनें आ रही हैं, एक नहीं चार चार। बरात को जानकर नगर निवासी प्रसन्न हुए, शरीर पर पुलकावली छा गई, सब ने सुंदर घरों को बाजारों को सजा लिया है, सुंदर वस्त्र पहन लिए, तैयार हो गए हैं कि दुल्हन आने वाली है। गली सकले अरे गंजा से चाई, जह तह चौके हैं चार पुराई, भना बजारू न जाए बखाना, तोरने के तू पता कबे ताना, सफल पुग पले कदिल रसाला, रोपे बकुल कदम बतमाला, लगे सुभग तरु परे सत धरनी, मनी में आले बाले कले करनी। रात को आती सुबह सभी तैयार हो रहे हैं, चौराहे सजाए गए, लाइटें लगाई गई हैं, लड़ियां लगाई गई, दुल्हन आ रही है, सारी गलियां अर्घ्य से सजाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पूरे गए, पताकाएं बांधी गई, मंडप सजाए गए, बाजार सज रहे हैं, वर्णन नहीं होने से हो रहा। फूल सहित सुपारी केला आम वर्षरी कदम तमाला वृक्ष लगाए गए, लगे हुए सुंदर फलों को पृथ्वी को छू रहे हैं, उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविधि भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवार, सूर्य ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुबुरी पूर निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश दर दर सजाकर बनाए गए। रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मादि देवता भी सिहाते हैं। भूप भवने तेहि अवसरे तोहा, रचना देख मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सोहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था, उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता। मंगल शोकन मनोहरता, रिधि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उछाओ सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेत राम वै देही, कहूं लालसा होए न केही। और सब प्रकार से मानो सहज सुंदर श्री धरधर का दशरथ जी के घर में छा गए। राम जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। बहुत भीड़ उमड़ रही है आज अयोध्यापुरी में, दूर दूर से लोग आए राम सिया के दर्शन करने के लिए। जूत जूत मिली चली सुहासनी, निज क्षमा
निंद्री मन विलासनी सकल सुमंगल सजे आरती गावै जनु बहुमश भारती। स्वागनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मगध आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहु से वेश धारण किए गा रही हैं। तो एक गीत था बहुत पुराना, राम सीता को ब्याह कर लिया है, बज रही है बंसरियां पंजाबी में गाना। राम सीता नु ब्याह के लाया, बज रही हां बंसरियां। राम सीता नु ब्याह के लाया, बज रही हां बंसरियां। तो ये जो दोहा है ये आज भी कई घरों में पंजाब में शादियों में जब दुल्हन आती है घर पे दूल्हा लेकर आता है तो गाई जाती। तो हम क्यों ना गाए भाई, खुद राम जी लेकर आए सीता जी को ब्याह कर। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए ना बरने समय सुख सोई। कौसल्यादि राम मह तारी, प्रेम विवश तन दशा बेसहारी। स्वागनी स्त्रियां झुंडियों का झुंड मिलकर गा रही हैं। ऐसा सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। राजमहल में नंद हो गया, शोर हो गया, सुख का वर्णन नहीं हो सकता। कौशल्या आदि रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के वशों का शीर की सुध भूल गई हैं। खुश हो रही हैं कि मेरे राम का विवाह, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब विवाह करके आए हैं। दिए दान विप्रणय विपुल, पूज गणेश परार। प्रमुदित ब्रह्म दरिद्र जनों पाए पदार्थ चार। गणेश ज्योति प्रारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो तिंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोदी प्रमोद विवश सब माता, चल ही न चरण शिथिल भय गाता। राम तरस इत इत अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख महानंद से विवश होने के कारण सब माताओं के चरण स्थिर हो गए, उनके चरण चलते नहीं। राम जी के दर्शन लिए वैदंत राग में भरकर परछन सब समाज बजाने लगी, सजाने लगी। विविध विधान बाजे ने बाजे, मंगल मोदित सुमित्रा सहाजे। हरद दोबद दीपल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। सुख मानंद से छा गया, अनुराग में परछाने भर रही हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजती हैं, सुमित्रा जी नंदपुरों का मंगल साजा सजा रहे। हल्दी दुग्ध दही पत्ते फूल फल सुपारी आदि बहुत सारी वस्तुओं की तैयारी करनी होती है ना जब दुल्हन आती है, तो वो तैयारी कर रही है सुमित्रा जी। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजिर तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बाए। चावल अखुए गोरचने लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावन के स्वर्ण कलश मालूम होते हैं, मानो कामदेव पक्षियों के घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकल सजे सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करे कल मंगलाना। शकुन गंधित वस्तु में बखान नहीं की जा सकती, सब रानियां संपूर्ण मंगल सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करी लिए मात। चले मुदित परिचनी, करण पुलक पुलवित गात। सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भर भर कर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं नंदित होकर परछन करने चली, उनके शिर पुलकित छा गए। धूप धूम नभ मोचक भेयु, सावन घन घमंड धनु भेयु। सुरतर सुमर माल सुर वर्षहि, मनोबलाक अवलक मनुकर्षहि। धूप के धुएं से काश ऐसा काला हो गया, मानो सावन के बादल के उमड़ घुमड़ छा रही हो। कल वृक्ष के फूलों की मालाएं बरस रही हैं, ऐसा लगता है मानो बगलों के बात पाती मनो के खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंधन वारे, मनो पा कर पुचाप सिवारे। प्रकट दो रही अटन पर भामनी, चारु चपल जनो दीम कहीं दामनी। सुंदर मणियों से बने बंदर वारे से मालूम होते हैं, मानो इंद्र धनुष जाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, छिप जाती हैं, वैसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। धुंध विधुनि घन गरिजन घोरा, जाचक जातक धाधुर मोरा। सुर सुगंध सुचि वर्ष ही बारे, उखी सगन से पूर्ण नारी।
सुंदर वाणियों से बंदर बार मालूम हो ऐसे सज रहे हैं। अटारियों पर चंपल स्त्रियां प्रकट होती छिप जाती हैं। नगाड़ों के ध्वनि मानो बादल रचना कर रही हो। पपीहे मेढक और मोर हैं, देवता पवित्र सुगंध रूप जल बरसा रहे हैं। जिसके खेती इस मान नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हो। सुमे जाने गोराय सुदीना, पुर पर बेस रघुकुल मन की ना। सुमे शंभु गिर जागी राजा, मुदित मय पति सहित समाजा। सभी जानकर गुरु शिष्य जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि दशरथ जी ने शिव जी की पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज से आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो सगुने वर्षे सुमन सुर दुंधु भी बजाय, विविध वधु नाचे मुदित मंजुले मंगल गाय। अच्छे शगुन हो रही हैं, देवताओं ने बाजे बजाकर फूल बरसाकर स्वागत किया। स्त्री आनंदित हो गई, मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। क्यों? क्योंकि बारात आ चुकी है भाई, बहुए लेकर। मगधे सूते बांधे नटे नागर, कामे जसूती हूँ लोक उजागर। जैदुने विमल बेद परे पानी, दस दिशी सोने सुमंगल सहानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी श्री राम जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती वर्णी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे, काश में देवता नगर में लोग सब प्रेम में मगन। बराती ऐसे बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम आनंदित है, सुख अनेक मन में समाता नहीं है। पूर्वासन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करही निछावर मन गन चीरा, बार विलोचन पुलक सरीरा। तब योद्धवासियों ने राजा को वंदना की। रामचंद्र जी को देखते ही सब सुखी हो गए। मणियां वस्त्र निछावर कर रही हैं, नेत्रों में जल भरा है, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। राम जी दुल्हन लेकर आए, सीता माता जी आ गई हैं। आरती करी मुदित पुर नारी, हर्ष निरख कुंवर भर चारी। सभी का सुभग ओहार उभारी, देख दुल्हने हो हे सुखारी। नगर की स्त्री आनंदित हो गई और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राजे द्वार रामा, आए राजे द्वार। मुदित मातु पर छन करें, बदुन समेत कुमार से आवर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। इस प्रकार सबको सुखी देते हुए वो राजदरबार तक पहुंचते हैं। सभी दुल्हनों को देखकर खुश होते हैं। बहुओं सहित कुमारों को प्रच्छन्न कर रहे हैं। करहि आरती ही बार ही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पटना न जाते, करी निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं, उस प्रेम और महान आनंद को कान कह सकता है। अनेकों प्रकार के भूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तु निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सीए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं खुश हो गई। सीता और राम जी की छवि को बार बार देखकर अपने जीवन को सफल बना रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करे निज सुकर सराही। वशि सुमन चनही चन देवा, नाचही गावही रामही सेवा। देख मनोहर चारे ओजोरी, शारद उप महासकल ढंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुष्पों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमा को खोज डाला। और उपमा देते नहीं बनती, बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तो हार कर श्री राम जी के रूप में रुक्त होकर एकटक देखती रह गई।
निगम नीति कुल रीत करी अर्घ पावड़े देत राम अर्घ पावड़े देत बदुन सहित सुत परिचि सब चली लवाई न केतु से आवन राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। वेद की विधि और कुल कीर्ति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों के प्रश्न करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सो आए जनो मनोज निज हाथ बनाए तीन पर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभिक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ में बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमार को बिठाया और आदर के साथ उन्हें पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। फिर वेदों के विधि अनुसार मंगलों के निदान दूल्हा दुल्हन के धूप दीप और आदि के द्वारा पूजा की गई। बारह ही बार आरती करी। वेद ने चार उचामर सिर डाली और सिरों पर पंखे तथा चवर चलाए रही हैं। वस्तु ने कने छावर होई भरी प्रमोद मातु सब सोई पावा परम तत्व जन जोगी अमृत ने हो जान संतत रोगी। वस्तु ने छावर हो रही सभी माता नंद से भरी हुई हैं। मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जनवर अंक जनु पार सुपावा अंधहीन लोचन लाभ सुहावा मुख बदन जनु सारद छाई मानो समर सुर जय पाई। जन्म के द्रिद्री मानो पारसा पा गया हो अंधे के सुंदर नेत्रों को लाभ हुआ हो गुंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी हो शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा रही हो। ऐसी खुशी सबको प्राप्त हो रही है जब मेरे श्री राम जी अयोध्यापुरी में आए हैं और चारों भाई दुल्हनों के साथ आए हैं। तो माएँ बार बार उनका प्रछावन लेती हैं आरती करती हैं मंगल गीत गाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से खुशियां मना रही हैं। भय सुख दे सतकोट गुण पावही मातु आनंद भाई सहित ब्याहे घर आए रघुकर चंद लोक रीत जननी करी बड़ी दुल्हन से कुचाई मोद विनोद विलोके बड़ राम मनी मुस्काए। और माताएं बड़ी खुश हैं कि हमारे चारों पुत्र बहुएं लेकर घर पर आए। यहाँ पर तो एक बेटा बहू लेने जाता है तो माओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वहां तो चार चार बेटे बहू लेकर आए। बहुत खुश है माताएं और मणि मन प्रसन्न हो रही हैं और दुआएं दे रही हैं। और इसी दोहे पर हम आज की कथा को विराम देते हैं। तो आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय सियाराम। कथा समाप्त होते हैं। विदा होत हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल हृदय संबाही हरो नाथ मम संकट भारी।